हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियर्स स्टडी क्लासेज। आज आपके लिए एक बार फिर से एक नई रिक्रूटमेंट जॉब का अपडेट लेके आ चुके हैं हम। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बता दें आपको इस रिक्रूटमेंट के बारे में। FCI रिक्रूटमेंट 2022, FCI मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें आइए JEE का रिक्रूटमेंट आया है, आउट हो चुका है BTEC एंड डिप्लोमा वालों के लिए। अब कुछ नॉन टेक्निकल पोस्टें भी हैं, साथ ही साथ टेक्निकल पोस्ट हैं। हम इस वीडियो में टेक्निकल पोस्टों के बारे में बात करेंगे। डिप्लोमा और BTEC वालों के लिए फुल नोटिफिकेशन आउट हो गया है साइट पर। साइट का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नोटिफिकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप डायरेक्ट टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। हम इसका PDF वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग डायरेक्ट PDF देख सकते हैं या आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन में जाकर वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे। टोटल पोस्ट इसमें होने जा रहा है 5043, मतलब कि कुछ नॉन टेक्निकल पोस्टों का भी होगा, कुछ टेक्निकल पोस्टों का भी होगा, और ये ऑफिशियल अपडेट है। चलिए हम लोग इसके साइट पर चलते हैं और वहाँ से आपको सारी जानकारी, इम्पोर्टेंट बातें, कब से कब तक फॉर्म अप्लाई होगा, क्या क्या रिक्वायर्ड है आपका, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग डायरेक्ट FCI के ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट आ सकते हैं। जैसा कि आपको नोटिफिकेशन में दिख रहा होगा, करेंट रिक्रूटमेंट 4 कैटेगरी 3 रिक्रूटमेंट एडवांस नंबर देख लीजिए 1/2022 का, FCI कैटेगरी 3 डेट 3/9/2022 का, जो हाल ही फिलहाल नए नए हैं। यहाँ से आप लोग डाउनलोड करके PDF पढ़ सकते हैं। साथ ही हम इसमें देखेंगे नॉर्थ जोन, सभी जोनों में कैटेगरी वाइज आपका वैकेंसी आया। तो चलिए ऑलमोस्ट सभी ब्रांच के लिए वैकेंसी है, यहाँ पर क्लिक करेंगे हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। चलिए डाउनलोड हो चुका है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जोन वाइज रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इन FCI एलिजिबल, पूरा चीज़ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कौन कौन से लोग। हम इसमें ओनली टेक्निकल पोस्टों के बारे में ही चर्चा करेंगे। देख लीजिए जोन वाइज एंड पोस्ट वाइज वैकेंसी, नॉर्थ जोन का देख लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग सारे जोन का देखेंगे, उसके बाद साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, NA जोन, नॉर्थ ईस्टर्न जोन, मतलब देखिए इतना जोन के लिए आपका वैकेंसी आया है। तो टोटल बात कर लेते हैं हम लोग। इसे यहाँ पर दिख रहा होगा नॉर्थ जोन में JEE सिविल इंजीनियरिंग के लिए टोटल वैकेंसी आपका 22 आया है। JEE इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए टोटल वैकेंसी आपका 8 आया है। साथ ही साथ नीचे आइएगा तो यहाँ पर देख लीजिएगा AG3 टेक्निकल, टोटल पोस्ट कितना होने जा रहा है इसमें 611 टोटल पोस्ट AG3 टेक्निकल में आया है। इसी तरह साउथ जोन के बारे में बात कर लेते हैं, JEE सिविल इंजीनियरिंग टोटल पोस्ट 2 आया है, इसमें इलेक्ट्रिकल वालों का नहीं है। AG3 टेक्निकल देख लीजिए टोटल पोस्ट, AG सिविल इंजीनियरिंग के इसमें 5 आया है और 257 3 टेक्निकल के लिए आया है। नीचे आइएगा तो ईस्ट जोन में भी बात कर लेते हैं, JEE सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए टोटल 7 है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 2 है, और AG3 टेक्निकल वालों के लिए 194 सीट हैं ईस्ट जोन में। और साथ ही साथ वेस्ट जोन की बात कर लेते हैं, JEE सिविल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 5 सीट हैं और 2 सीट इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वालों के लिए। AG3 टेक्निकल वालों के लिए 296 सीट हैं। इसी तरह आप नीचे चलिए नॉर्थ ईस्ट रीजन में JEE सिविल के लिए वालों के लिए 4 और 2 सॉरी JEE सिविल वालों के लिए 9 है टोटल, और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 3 है सीट। तो इसी तरह से हम लोग आगे चलते हैं और बता देते हैं आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में, कब से इसका फॉर्म स्टार्ट हुआ, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। PDF आपको भेजेंगे, वहाँ पर इसे पढ़ लीजिएगा। हम इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करते हुए चलेंगे। लो विजन ही सभी है, देख लीजिए क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, मैंने क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जाना 1/8/2022 तक रहना चाहिए। JEE सिविल इंजीनियरिंग डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग रहना चाहिए या डिप्लोमा रहना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग, और साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। JEE इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वालों के लिए क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिग्री रहना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मैंने BTEC रहना चाहिए, और साथ ही डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस। चलिए बात कर लेते हैं, थोड़ा नीचे चलते हैं। यदि 3 टेक्निकल वाले कौन भर सकते हैं, BTEC किए हों जो या BSc एग्रीकल्चर से किया हो, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
एप्लीकेशन किस तरह से करना, ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन आपका होगा, जिस दिन ऑनलाइन स्टार्ट होगा उस दिन हम बता देंगे किस तरह से आपको इसको अप्लाई करना है। रिजर्वेशन भी इसमें दिया गया है, रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन SC ST वाले के लिए 5 साल और OBC के वाले के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। इसी तरह इसमें मिला है इम्पोर्टेंट, हम लोग इस PDF के माध्यम से डिस्कस करते हैं। देखिए एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ ऑनलाइन टेस्ट फेज वन एंड फेज टू एग्जाम के लिए किस तरह से लाया, इंग्लिश आपका 25 मार्क्स का रहेगा, रीजनिंग रहेगा 25, नॉर्मल का रहेगा 25, जनरल स्टडीज से आपका GK GS रहेगा 25, 5 क्वेश्चन करेंट अफेयर का टोटल क्वेश्चन 100 रहेंगे, 60 मिनट में 1 आवर में आपको 60 क्वेश्चन करेंगे, टोटल 3 पेपर में होगा जिसमें टेक्निकल वालों के लिए 2 पेपर होगा। यही सिविल इंजीनियर के लिए फेज टू ऑनलाइन एग्जाम विल कंप्रीज ऑफ, मैंने आपका जो कैंडिडेट भी अपेयर इन पेपर 1 बाई फॉलर पेपर 2 ऑनलाइन टेस्ट फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 शैल बी हेल्ड इन सीटिंग सिंगल सीट ऑनली, इस तरह से आपका एग्जाम होगा। यहाँ पर देख लीजिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और इंस्ट्रक्शन है, अप्लाई करने से पहले आप लोग देख लीजिएगा किस तरह से अप्लाई करना है, वो साथ ही इस साइट से अप्लाई करना है, इस साइट से या डायरेक्ट आप लोग जो है लिंक दिए डिस्क्रिप्शन में वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। इतनी सारी आपके टेस्ट सेंटर होने जा रही है, आंध्र प्रदेश, असम, देख लीजिए बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली में कहाँ कहाँ होने जा रही है, ऐसे गुजरात, सारे इतना टेस्ट सेंटर आपकी होगी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ 24 नंबर में देख सकते हैं आप लोग, जो आपका डेट कब से मतलब क्वालिफाई होगा, जो देख लीजिए कैंडिडेट मस्ट इंश्योर टू हैव फुली फिल्ड ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैंने ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन 1/8/2022 से पहले होना चाहिए, आपका एज भी 1/8/2022 को 18 हो जाना चाहिए, ये सब चीज़ इसमें दी गई है। इसमें साथ ही साथ स्किल टेस्ट भी होगा, ऑनलाइन टेस्ट भी होगा। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी बारे में, रूल नंबर 37 में देख सकते हैं आप लोग, कैंडिडेट एक्सेप्ट एज एनी वन विथ इन द जोन, मैंने एक जोन के लिए एप्लीकेशन ऑफ फी कितना है 500 रुपया है, आपका एप्लीकेशन फी कितना लगेगा 500 रुपये में एप्लीकेशन फी लगेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग अप्लाई आप लोगों को कैसे करना है, डिटेल गाइडलाइन, पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करने पड़ेगा, उसके बाद पेमेंट करिए, फी का डॉक्यूमेंट स्कैन करिए एंड अपलोड कर दीजिए। और जो कैंडिडेट कितने तारीख तक अप्लाई कर लेते हैं उसमें बात कर लेते हैं, 6 तारीख यानी 6 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन मोड में आपका एप्लीकेशन एक्सेप्टेड होगा, वही लिखा गया, फोटोग्राफ कितना रहना चाहिए ये सब दिया गया है, ये सब बारे में इतने वैकेंसी आप लोग भर में तो आपको तो निश्चित आइडिया हो गया होगा, सिग्नेचर किस तरह करना सारी चीज़ इसमें दिया गया, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलिए इंपॉर्टेंट चीज़ को और डिस्कस कर लेते हैं, और यहाँ पर देगा एप्लीकेशन फी कब से कब तक, 6 सितंबर से 5 दिसंबर तक, 5 अक्टूबर तक आप लोग एप्लीकेशन फी जरूर पेमेंट कर दीजिएगा। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो आपको इस साइट पर चल जाना है, वहाँ से आपको अप्लाई ऑनलाइन पे न्यू स्किन देखेगा, वहाँ से आप लोग क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, इस तरह से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, जो जैसे सबमिशन कब तक होगा, 6 सितंबर से 10 अक्टूबर तक, सॉरी 5 अक्टूबर तक जैसे बताएं लास्ट डेट है, एडमिट कार्ड 10 दिन पहले आ जाएगा आपका एग्जामिनेशन से, ऑनलाइन टेस्ट आपका कब होगा, जनवरी 2023 में आपका ऑनलाइन टेस्ट पहला स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि हमने इसमें सारे चीज़ों को वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर लिया, और आप कोई भी अभी भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, साथ ही साथ आप लोग अपना ब्रांच कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिए, जाके आपके ब्रांच रिलेटेड कोई भी जॉब आए तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इस चैनल पे प्लेटफॉर्म पे पहुंचा सकें। चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।